हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंजीनियर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गियरबॉक्स के बारे में। दोस्तों, गियरबॉक्स क्या होता है? आज की डेट में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कभी गियरबॉक्स नाम नहीं सुना हो। तो दोस्तों, क्या होता है गियरबॉक्स, क्या काम करता है और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, गियरबॉक्स एक हाउसिंग में दो या फिर दो से ज़्यादा गियर्स का अरेंजमेंट इस तरह से किया जाता है ताकि आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट मिल सके। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है गियर्स का, इस अरेंजमेंट को गियरबॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, क्या फंक्शन होता है गियरबॉक्स का? दोस्तों, गियरबॉक्स जो होता है ना, मेनली दो फंक्शंस करते हैं। एक होता है स्पीड एडजस्टमेंट और दूसरा होता है टॉर्क एडजस्टमेंट। स्पीड एडजस्टमेंट, जैसे कि आपको लो स्पीड चाहिए तो गियरबॉक्स आपको लो स्पीड देगा, हाई स्पीड चाहिए तो गियरबॉक्स आपको हाई स्पीड देगा, मीडियम स्पीड चाहिए तो गियरबॉक्स आपको मीडियम स्पीड देगा, या फिर आपको जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड आपको गियरबॉक्स आउटपुट के रूप में देगा। टॉर्क की बात करें तो दोस्तों, टॉर्क जो होता है, टॉर्क का मीनिंग होता है पावर। अगर आपको हाई टॉर्क की ज़रूरत होता है तो गियरबॉक्स आपको हाई टॉर्क के रूप में आउटपुट देगा। मीडियम टॉर्क की ज़रूरत है तो गियरबॉक्स आपको मीडियम टॉर्क आउटपुट के रूप में देगा, या फिर लो टॉर्क की ज़रूरत है तो गियरबॉक्स आपको लो टॉर्क आउटपुट देगा। तो इस तरह से गियरबॉक्स है ना, आपको स्पीड और टॉर्क को एडजस्ट करके आउटपुट देता है। अब चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। गियरबॉक्स का क्या एप्लीकेशन है? दोस्तों, गियरबॉक्स जो होता है वह कई सारे एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में गियरबॉक्स का बहुत सारे काम को करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स जैसे कि बस, कार, ट्रक, इस तरह के कई सारे व्हीकल्स में गियरबॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। पावर जनरेशन करने के लिए भी गियरबॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। पावर जनरेशन जैसे कि विंडमिल, टर्बाइंस, ETC। माइनिंग और मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए भी गियरबॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी गियरबॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। मिलिट्री और मरीन में भी गियरबॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज में भी गियरबॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट टेस्ट स्टैंड इक्विपमेंट में भी गियरबॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर मैनेजमेंट में भी गियरबॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। गैस और लिक्विड कंप्रेशन करने के लिए और पंपिंग करने के लिए भी गियरबॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, गियरबॉक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।